दोस्तों बेसिकली अब जनरली बात करें मेडिसिन की, तो भारत में पे दो टाइप की मेडिसिन पाई जाती है। पहला दोस्तों जेनरिक और दूसरा इथिकल मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन दोस्तों अलग होती है और इथिकल मेडिसिन अलग होती है। रीजन है दोस्तों जो इथिकल मेडिसिन होती है ये ब्रांडेड मेडिसिन होती है और इसमें पूरी तरह से दोस्तों कंपनी की गारंटी वारंटी होती है। मतलब कि दोस्तों कंपनी ने से एक बार यहाँ पर सेल कर दिया होलसेलर या रिटेलर को, तो उस दवाई के ना सेल होने की दोस्तों केस में कंपनी की पूरी तरह से यहाँ पे जिम्मेदारी होती है। मतलब अगर दोस्तों ये दवाई किसी के पास में रखे रखे एक्सपायरी हो जाती, खराब हो जाती, चाहे फिर वो रिटेलर हो या होलसेलर हो, तो वो इस दवाई को दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी को यहाँ पर भेज सकता है, जिस वजह से दोस्तों कंपनी की जो गारंटी वारंटी यहाँ पे पूरी तरह से बरकरार रहती है। और इसी वजह से दोस्तों इन जो मेडिसिन की जो प्राइस होती है वो यहाँ पर कंपनी थोड़ा सा ज्यादा रखती है। वही दोस्तों जेनेरिक मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने एक बार इनको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इसे सेल कर दिया और जैसे ही यहाँ पे अपने पास से उसे बाहर निकाला तो यहाँ पर कंपनी की जो गारंटी वारंटी थी वो पूरी तरीके से यहाँ पे जिम्मेदारी यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन फिर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, मतलब कि दोस्तों जिम्मेदारी फिर यहाँ पर उसकी होगी जिसके पास वो दवाई होगी, फिर चाहे दोस्तों वो रिटेलर हो या फिर होलसेलर हो या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर कोई कस्टमर हो जिसने कोई एक्सपायरी दवाई दे दी है, तो फिर वो दोस्तों यहाँ पे कंपनी को दवाई वापस नहीं दे सकता। इसलिए दोस्तों जो जेनरिक मेडिसिन होती है वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सेल होती है। रीजन है दोस्तों जो ब्रांडेड दवाई है उनके मुकाबले यहाँ पे 80% तक ये सस्ती होती है। मतलब कि दोस्तों जो इथिकल जो मेडिसिन होते हैं वो आपको अगर यहाँ पे 100 रुपये में मिल रही है तो वहीं जेनरिक मेडिसिन होते हैं वो आपको यहाँ पे 20 रुपये में आसानी से मिल जाती है। तो इतना डिफरेंस, इतना गैप होता है मेडिसिन के अंदर, जिस वजह से दोस्तों जब ये मेडिसिन सेल होती है तो इसमें जो मिलने वाला जो मार्जिन है, प्रॉफिट है, वो काफी ज्यादा मिलता है, जिस वजह से दोस्तों जेनरिक मेडिसिन की तरफ लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा भाग रहे हैं। जिसमें भी दोस्तों कुछ डॉक्टर्स का ये भी कह रहे हैं जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ ज्यादा होते हैं कंपेरिजन करें यहाँ पे जेनेटिक मेडिसिन में, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट वाली बात नहीं है। आज की इस वीडियो दोस्तों हम बात करने वाले कैसे आप जेनेटिक मेडिसिन स्टोर ओपन कर सकते हैं, उसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप इसे किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें कितना होने वाला है, कितनी आप इससे अर्निंग कर सकते हो, क्या लोकेशन होनी चाहिए और भी कई सारी चीजें। तो दोस्तों वीडियो को पूरी और लास्ट तक जरूर देखिएगा, हम टोटल 5 पॉइंटों को कवर करने वाले, जिसे आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे आप जेनेटिक मेडिसिन स्टोर ओपन कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जाकर लाइक करके सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, इससे कि आपको आने वाली वीडियो का रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नंबर 1, आपके पास में यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप किसी क्वालिफिकेशन के हिसाब से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपके पास में यहाँ पे डी फार्मा, एम फार्मा और बी फार्मा की दोस्तों यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आपके पास में ड्रग्स लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो अगर आप यहाँ पे जो 12th आपने जो की हुई है वो यहाँ पे बायोलॉजी से आपकी यहाँ पे हो रही होनी चाहिए। मतलब कि दोस्तों अगर आपके पास में ये सारी चीज़ें तो आप एलिजिबल है इस बिजनेस के लिए, आप जेनेटिक मेडिसिन यहाँ पे स्टोर ओपन कर सकते हैं। नंबर 2, क्या लोकेशन होनी चाहिए दोस्तों अगर यहाँ पे हम जेनेटिक मेडिसिन स्टोर के लिए अगर बात करें बेस्ट लोकेशन की, तो यहाँ पे दोस्तों हॉस्पिटल से बेटर जगह और बेस्ट लोकेशन यहाँ पर कोई हो नहीं सकती। तो आप इसे किसी नियर बाय में कोई जो हॉस्पिटल हो उसके आसपास इसको स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपकी कोई जमीन पड़ी है हॉस्पिटल के आसपास में या फिर कोई शॉप है तो उसे वहां डाल के भी दोस्तों आप इस बिजनेस का भी स्टार्ट कर सकते हैं। वरना दोस्तों आप इसे रेंट पर भी ले सकते हैं विद एग्रीमेंट के साथ में, जिससे कि आपको दोस्तों किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, या फिर दोस्तों अगर आपको हॉस्पिटल के आसपास में नहीं मिलती तो आप इसे किसी मेन मार्केट के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप इसे किसी हॉस्पिटल के आसपास में से स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज का खास जानना पड़ेगा जो दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए भी और इस बिजनेस के लिए भी। हॉस्पिटल के दोस्तों जितने भी यहाँ पे वर्कर्स होते हैं उनसे आपको यहाँ पे टाई अप करके रखना है, उनसे बात करके रखनी है कि आप हमारे पास अगर कोई भी आप पेशेंट भेजते हो या फिर कस्टमर भेजते हो तो हम दोस्तों उस पर जितना भी आप सेल करेंगे इतनी वो दवाई लेगा उस पर प्रॉफिट पे आपको हम इतना परसेंट देंगे। इसमें दोस्तों आप उनके स्टाफ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो एजेंट होते हैं उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो मरीजों को इधर से उधर लेके जाते हैं और जो डॉक्टर होता है उनसे भी आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनसे टाई अप करके रख सकते हो। आपको दोस्तों हजारों स्टाफ मिलेगा हॉस्पिटल के आसपास में जिनसे आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर दोस्तों आपने किसी छोटे हॉस्पिटल के आसपास में स्टार्ट कराया या फिर आपके आसपास में ऐसे छोटे मोटे कई सारे हॉस्पिटल है तो वहाँ भी दोस्तों आपको बहुत सारे एजेंट, बहुत सारे वर्कर स्टाफ के मिल जाएंगे जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, उन्हें बोल सकते हो यदि आप हमारे पास में कोई भी पेशेंट भेजते हो या फिर आपके नाम लेके कोई आता है और वो जो भी दवाई लेता है तो उसके ऊपर जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं उसका हम इतना परसेंट आपको देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपके यहाँ पे मार्केटिंग भी हो जाएगी और आपका यहाँ पे जो सेल है वो भी अच्छी हो जाएगी और आपका जो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट है वो भी दिन पे दिन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका बिजनेस है यहाँ पे और भी ज्यादा अच्छा चलने लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी को यहाँ पे फॉलो करना है। साथ ही दोस्तों आपको एक चीज का यहाँ पे खास ध्यान रखना है, उनका दोस्तों जो भी यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे परसेंटेज बनता है जो भी वो कस्टमर भेजते हैं उनको यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम उनको देना होगा। ऐसा नहीं करना है कि आप उनके कस्टमर यहाँ पे ज्यादा लग गए तो आपके मन में यू कि नहीं वो पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, तो आपको ये चीज नहीं सोचनी है। उनका जो भी परसेंटेज बने वो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम उनको दे देना है।
क्योंकि दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ करोगे तो उनके पास में और भी ज्यादा ऑप्शन होता है, क्योंकि हॉस्पिटल के आसपास में बहुत सारे स्टोर होते हैं, तो दोस्तों वो वहां भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सही होगे तो वो भी सही रहेंगे, इसलिए ज्यादा आपको इधर उधर की चीजें नहीं करनी है। आपको जो भी उनका प्रॉपर परसेंटेज हो वो आपको उनको वापस दे देना है। आपको इस चीज का यहाँ पे खास ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे दोस्तों लंबा भी बिजनेस को चलाना है और अच्छी खासी अपनी मार्केट बनानी है तो आपको उनके साथ में यहाँ पे अच्छे से रहना पड़ेगा। अब दोस्तों आपके पास में कोई डिग्री नहीं है बट आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो वो कैसे होगा, तो ये सवाल दोस्तों अक्सर सभी लोगों का रहता है और ये पूछा भी जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको मैं सिंपल सा जवाब देता हूँ, आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना होगा या फिर कोई रिलेटिव जिसने एम फार्मा डी फार्मा बी फार्मा किया हुआ हो, उसके नाम पे दोस्तों आपका भी ड्रग लाइसेंस आपको ले लेना है और उनसे बात कर लेनी है कि हम आपकी जो डिग्री है वो अपने स्टोर में लगाएंगे, मतलब कि मैं जो स्टोर है ये आपके नाम से चला रहा हूँ, जिसमें कि आपको हर मंथ में 4,000, 5,000, 6,000 या जो भी आप वहाँ फिक्स कर पाओ वो हम आपको हर मंथ आपको देते रहेंगे, और जैसे मेरा स्टोर यहाँ पे चलना अच्छे स्टार्ट होता है हम इसको बढ़ा भी देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको उनसे बात करके रख लेनी है। फिर आपको रिलेटिव में कोई एलिजिबल है एम फार्मा डी फार्मा बी फार्मा करने के लिए तो आप यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए किसी और की डिग्री पे आप अपने स्टोर को यहाँ पे चला सकते हो, और उसके बाद में जो भी उनको आपको कंप्लीट कराना हो वो कंप्लीट करा के आप फिर अपने मेंबर की आईडी बेस यूज करके शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों इंडिया में आज के टाइम की अगर बात करूँ तो 40% दोस्तों स्टोर यहाँ पर ऐसे हैं जो यहाँ पे और उनकी आईडी पर यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये सोच रहे हो कि हम दवाई कहाँ से लेंगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे सीधा सिर्फ क्या करना है, आपको गूगल पर जाकर सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है फार्मा डी एडमी। आप जैसे ही दोस्तों ये चीज यहाँ पे सर्च करोगे आपके नियर बाई के जितने भी यहाँ पे होलसेलर होंगे दवाइयों के वो यहाँ पे उनकी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें भी दोस्तों आपको चूज करना है आपको किन से यहाँ पे दवाई लेनी है और उनके दोस्तों आपको डिटेल लेके कॉन्टेक्ट करके उनसे आपको यहाँ पे ऑर्डर देना है। वो लोग दोस्तों यहाँ पे बैठे ही रहते हैं कि जैसे हमारे पास ऑर्डर आए और हम यहाँ पे दवाइयों को पहुंचा कर दें, ऐसे आपको उनको जो भी दवाइयाँ मंगानी आप उनको ऑर्डर दे सकते हो, चाहे भी दोस्तों वो ब्रांडेड हो या फिर जेनेटिक दवाइयाँ, वो आपके दोस्तों घर तक या फिर आप चाहो तो शॉप तक आप जहाँ उनको कहोगे वो दवाई आपको वहाँ तक आपको पहुँचा कर देंगे। नंबर 5, अब आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा और इससे अर्निंग कितनी हो सकती है। तो देखिए अगर आपके पास में जमीन आपकी खुद की है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ थोड़ा वो कम हो जाएगा, बट आप अपनी जमीन यहाँ पे खरीदते हो फिर इस बिजनेस को यहाँ पे स्टार्ट करते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे थोड़ा हाई होने वाला है। बट दोस्तों फिर भी हम एक अनुमान लेके चले तो 5,000 दोस्तों आप यहाँ पे लाइसेंस के लिए आप बंदे को दोगे, प्लस 50,000 आप यहाँ पे अपनी शॉप का जो इंटीरियर होगा उसमें जो सेटअप वगैरह तैयार कराओगे 50,000 आपका उसमें लग जाएगा। इसके साथ ही 1 से 1.5 लाख रुपए की आप यहाँ पे मेडिसिन मंगाओगे दवाइयाँ लेके आओगे अपने स्टोर के लिए, तो समथिंग आपका 2 लाख रुपए इस बार इन्वेस्टमेंट होगा इस बिजनेस के लिए, जिसमें आप आराम से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो सिर्फ मात्र 2 लाख रुपए आप लगाकर। दोस्तों अब इसमें अर्निंग की बात करें तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया तो जेनरिक दवाइयाँ होती है वो अगर 20 रुपए की चीज़ है तो उसे आप आराम से आसानी से 100 रुपए में आप बेच सकते हो। तो दोस्तों उस हिसाब से आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हो कि आपका यहाँ पे अर्निंग कितनी होने वाली है। तो दोस्तों जैसे ही आपकी यहाँ पे सेल जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो ओके गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो, कैसे आप जेनरिक मेडिसिन स्टोर ओपन कर सकते हो स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे रहेगा, जय हिंद।